भाई मुद्दा जी भाई पहले पीस का भाई देख रहे क्या है बा इज्जत और क्या लग रहा है ओए मक्खन मक्खन भाई नली का पीस अरे बाप रे बाप फ्लेवरफुल है तू बहुत फ्लेवरफुल है हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों बात करते हैं जी आज के वीडियो की भाई वीडियो इस प्रकार से क्या भाई आज बनाने जा रहा भाई कश्मीरी प्याज मटन करी भाई कुक करवा ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना भाई कुकर लगा दिया जी इसमें डाल दो जी मस्टर्ड का तेल भाई कितना ही ओनली 15 टेबल स्पून तो जी इसके हल्के फुल्के गर्म होकर भेजो कर लियो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है धुआं उठ चुका है ठीक है जी भाई देख रहे हो क्या है भाई ये जी 750 ग्राम भाई प्याज जो कि मैंने छल्ले क्या बोलते लच्छे अरे जो भी है भाई रिंग बना के भाई काटे हैं मतलब कि उस मशीन से भाई मशीन का है इस मशीन से ऐसे ऐसे करके ठीक है जी भाई ये कितने 750 ग्राम डाल दो जी सारे के सारे वाह इज्जत तो जी सारे के सारे प्याज मिला दिए जी करो जी मिक्स मुक्स चंगे से तो इसे आप करीब भाई 1 से 2 मिनट तक भाई ऐसे ही भूनते रहिए हाई फ्लेम पे। तो जी 1-2 मिनट नहीं 2 मिनट हो गए पूरे के पूरे करना है। इस बनाते हैं जी एक बड़ी इलायची सॉरी दालचीनी 2 बड़ी इलायचियां 4-5 छोटी इलायचियां 4-5 लौंग तो जी कर दो फिर से मिक्स मुक्स आप फिर से आप इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो जी 2 मिनट हो गए जी इसको भी पकते हुए ठीक है जी अब करना क्या है इसमें डालते हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट भाई लहसुन 2 टेबल स्पून अदरक 1 टेबल स्पून तो जी मिक्स मुक्स कर दो अच्छे से और अब दो नहीं पूरे के पूरे 5 मिनट इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे। तो जी 5 मिनट हो गए जी इसको भूनते हुए जी हाई फ्लेम पे करछी चलाते चलाते भाई ये स्थिति है क्या स्थिति है ये स्थिति है अब करना क्या भाई ये देख रही क्या भाई जी मटन भाई कितने ओनली 1 kg ठीक है जी डाल दो सारे का सारा बा इज्जत कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया जी अब करना क्या है लगे डालो जी नमक भाई स्वाद के अनुसार कर दो जी फिर मिक्स मुक्स चंगे। तो जब करना क्या जब करना कुछ नहीं आपको 2 से 3 मिनट तक भाई इसे फिर पकाना जी हाई फ्लेम पे जी करछी जलाते रहना। तो जी 2-3 मिनट नहीं पूरे के पूरे 5 मिनट हो गए पकते हुए ठीक है जब करना क्या गैस का फ्लेम लो लो करछी बाहर निकाल लो इसमें डालते जी आधा चम्मच भाई जिंजर पाउडर यानी कि सोंडे पाउडर 2.5 चम्मच भाई सौंफ का पाउडर यानी कि फेनल सीड पाउडर 2 चम्मच भाई जीरे का पाउडर 1 चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी भाई 5 से 6 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भाई 2.5 चम्मच भाई धनिया का पाउडर कर दो सबको मिक्स मुक्स चंगे से अच्छे से करो मिक्स। तो जब करना क्या है इसको आप करी भाई 2 से 3 मिनट तक भाई भूनते रहेंगे जी हाई फ्लेम पे करछी चलाते चलाते। तो जी 2-3 मिनट हो गए जी इसको पकते हुए ठीक है जी अब करना क्या करना कुछ खास नहीं है जी गैस का फ्लेम आप लो कर लो भाई एक लहसुन की कलियां कितनी है 10-15 की छोटी छोटी भाई डाल दो सारी की सारी इसके ऊपर तो फिर मिक्स कर लो उसको अच्छे से। तो गैस का फ्लेम आप लो ही रहने दो इस पे रखो जी ढक्कन भाई 15 मिनट के लिए भाई लो फ्लेम करके रखना दोस्तों भाई 15 मिनट हो चुके हैं चक लो भाई काफी पानी छोड़ा जी मरना है ठीक है जी अब करना क्या आपने वो छींटे पड़ गए हो भाई जितना भी पानी छोड़ा इसने भाई सारा सारा अब्जॉर्ब करने का क्या करने का अब्जॉर्ब तो जी करीब 5 मिनट हो गए जी इसको पकते हुए हाई फ्लेम पे भाई देखो जी पानी खत्म हो चुका है ओनली प्याज 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 रह गया ओनली प्याज देखो तो जब करना क्या करना कुछ खास नहीं है इसमें डाल दो जी पानी भाई बस भाई बस बस जितनी आपको करी की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी बाबा ठीक है नहीं मैंने डाला जी 1 गिलास ओनली 1 गिलास डेढ़ डालो कर दो मिक्स मुक्स चंगे से तो कर दो उसका बंद तो इसके गले तक इसको भाई पका लो। तो दोस्तों भाई सारी सीढ़ी निकल चुकी है अब मुता ये गला या नो गला और खोलो ओ भाई क्या लग रहा है यार क्या लग रहा है ओ भाई गला या नो गला ओ है मक्खन है मक्खन। तो दोस्तों भाई बनके तैयार जी करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपनी भाई कश्मीरी प्याज मटन करी भाई कुकर वाली भाई देखो यार भाई बताओ दिखने में लग कैसा रहा है भाई पहले तो आपको नजर आया भाई ऑयल पे की होगी ऑयल पे भाई ऑयल तो बहुत पड़ता है इसमें यार आई एम रियली रियली सॉरी ठीक है जी। बाकी जो मसाला है भाई वो ये है भाई किसका भाई ओनली एंड ओनली भाई प्याज बोले तो अनियन अनियन है भाई मुद्दा ये कि भाई पीस कैसा दिखने में भाई ये देखो जी वड्डा वड्डा पीस भाई नली का एंड दिस इज अनदर नली ऑन द लाइन इन द लाइन व्हाटएवर है। तो भाई ये जी खाली कटोरा हाँ ये है जी भाई पुदीने वाला दही जिसमें मैंने थोड़ा हरा नमक छिड़का हुआ है भाई मुद्दा ये है कि जो इसकी मस्त मस्त ऑयली ऑयली अनहेल्दी ग्रेवी है भाई वो खाने में ही कैसी है और अनहेल्दी चीज़ होती है बहुत टेस्टी होती है वो हमको पता ही चल बाबा। तो आ भाई पहले थोड़ा इसको मिक्स मुक्स करते हैं यार क्यों नहीं तो तेल तेल आएगा तेल तेल बैठ जा भाई भाई देखो ये इसकी स्थिति है भाई फोकस करो फोकस देखो प्याज हाई जी नहीं पूरा गल गया ही यार पूरा गल गया अरे जल गया रे। तो आओ भाई इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है हाँ?
भाई वाह, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है, ठीक है नहीं, मतलब कि जो फ्लेवर है वह भाई मिठास की ओर झुक गया हुआ है। क्यों भाई, प्याज 750 ग्राम 800 ग्राम पड़ा हुआ है यार इसके अंदर, यार पूरा मेल्ट हो गया इसके अंदर। आहा, सोआ तो भाई जाबर है, जाबर भाई ग्रेवी का फिलहाल भाई। ऐसा है कि जो तीखापन है वो बहुत हद तक कम हो गया होगा, क्यों भाई मिर्चें मैंने काफ़ी डाली है, 5-6 चम्मच डाली वो लाल मिर्चा, बट प्याज ने उसे लाइट कर दिया यार। भाई ये स्टोरी है जी अपनी ग्रेवी की, जो कि बहुत ही लजीज और जाबर है भाई। मुद्दा है जी भाई पहले पीस का, आ भाई नली तू आ जा, तू बैठी इधर कल्ली कल्ली, आ साढ़े कोल तू इतने प्लेट च, आ भाई अरे आ भाई। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस पे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाया, वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया भाई। क्यों भाई, अपने कज़िन भाई की भाई शादी थी, भाई बंद गया भैया, फंस गया तो आ भाई, तो आ भाई। भाई देखो ये स्थिति है, कितना गल चुका है यार, देखो मक्खन जैसा, ये तो मक्खन जैसा। हाँ भाई मुद्दा तो इसके पहले टेस्ट का नहीं यार, पहले हम नहीं, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। नली अभी बहुत गर्म है यार, हाँ भाई आप बैठ जा इसके ऊपर, अब देखिए टेस्ट कैसा इसका यार। लजीज भाई, जाबरा जाबरा ग्रेवी, अगर जाबर है तो भाई मटन का पीस भाई जाबरा है। बोलो क्यों, मटन का जो फ्लेवर है उसके साथ मिलके जो इसने एक टेस्ट का ब्लास्ट किया जी मेरे मुंह में, बोले बोले जुबान के ऊपर भाई, वो तो बहुत ही क्लास था, बहुत ही लजीज यार। ओहो, मैं बयान कैसे करूं आपसे यार। भाई ये पीस थोड़े पड़े हैं नरमा नरम, इन्हें भी चक लो। ओए तो इलायची आ गई यार, इलायची आ गई, बहुत टेस्टी भाई। मुद्दा इसकी नली का, आ नली आ बार, ओ आ यार, ओए ओए ओए, ओ खाली हो गया जी राइफल, कारतूस हाइच नहीं बाबा, बहुत कम है। कर लो इनको खट्टे खोटे और कर लो जी इसको खट्टा भाई ग्रेवी के साथ में, बहुत ही लजीज यार, धमाका लजीज यार, मजा आ गया है। कुछ और भाई ध्यान रहे, जब ऐसे आप ऐसे करते ना भाई, कभी कभी निक्के निक्के पीस होते हैं हड्डियों के, वो कहीं गले में अटक जाए आपके, ध्यान रहे चीज़, ऐसे रिकमेंडेड नहीं भाई, ऐसे करना चाहिए ऐसे ऐसे। अरे और आया, और आया, और आया, अरे बाबा हो रहा है यार, देखा आपने, आ भाई। देखो जी आप पूछोगे भैया इसमें मसाला कौन सा हावी हो गया हुआ है, देखो जी इसमें सारे तो पड़े जी बेसिक मसाले, पाउडर मसाले, क्यों हमने इसमें कोई भी रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं किया भाई बाजार का, ना ही ना ही ना ही गर्म मसाला यूज़ किया जी हमने इसमें। लेकिन जो इसमें मेन रोल रहता है जो USP है भाई, वो तो भाई प्याज की रहती, क्यों भाई प्याज इसमें बहुत मिठास रिलीज करता है और जो मसाले होते हैं वो अपना रोल अदा कर देते हैं। भाई इसमें धनिया भी डाला मैंने, हरा धनिया लास्ट में, भूलिया तो बताना। हाँ ये हड्डियों से जो जूसेस होते हैं, जूसेस भाई वो बहुत टेस्टी होते हैं यार, बहुत स्वाद है। मुद्दा ये है भाई, नलियां नुलियां कारतूस हो गया भाई, पीस भी हो गया, ग्रेवी भी हो गई भाई, भाई किंग छपा रहा है भाई, किंग को लेकर आता हूँ इज्जत से। तो लो जी भाई किंग की एंट्री हो चुकी है आज, किंग खिला खिला नहीं है यार, क्यों बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बना हुआ है, चिपकू चिपकुआ लग रहा है मेरे को, वो देखो 1 2 3 4 नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, बहुत गर्म मेरे बाबा। अरे आ भाई नली तू तो पहले बैठी कली कली, आ मेरे को तू फटाफट, आ भाई पीस भाई नली का पीस, पड़ गया रे, अलॉन्ग विद मस्त मस्त ग्रेवी यहाँ पड़ेगी, हमको भाई इज्जत यूज़ करना है इसको, तू भी बातचीत यहाँ बैठ जा भाई, अभी तो बहुत गर्म है। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से, थोड़ी और ग्रेवी मंगती चीज के ऊपर, थोड़ा ऑयल भी क्योंकि ऑयल से फ्लेवर आएगा। आ भाई पहली बाइट, ग्रेवी से भाई बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत ही लजीज है, बहुत ही अच्छा है भाई। जाबरा भी कंटिन्यू है भाई, सॉरी जाबरा भी कंटिन्यू है यार बहुत, बट भाई आज किंग ना बहुत चिपका चिपका है, देखो यार मतलब कि खिला खिला है नहीं है ना, जिसे मैं एंजॉय नहीं करवा रहा हूँ यार, है ना, पर कोई नहीं। हाँ भाई ओ भाई
ठंडी में, ठंडी का सास भाई दही से, वो ठंड च ठंड पै गई यार। भाई अदरक लहसुन की जो कलियां डाली थी ना यार, तो टिकी नहीं रही मेरे को, वो घी कहाँ है हाँ, पूरी मेल्ट हो गई यार, पूरी मेल्ट। तो उसने तो फ्लेवर दिया यार। भाई टमाटर ना जाने फ्लेवर देते या नो देते, मुझे लगता नहीं यार टमाटर फ्लेवर देते इसमें यार, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, प्याज का जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा ना यार। अरे हड्डियाँ इसके अंदर यार, भाई इसकी भी नली निकाल लेते हैं यार, नली नहीं सॉरी कारतूस यार। इसका अरे बाप रे बाप, क्या लोडेड, थोड़ा और थोड़ा और। अरे बाबा भाई, अरे यार तो बहुत निकला रे बाबा, आज तो दिल खुश हो गया रहा। आ जा रे आ जा, बहुत फ्लेवरफुल है तू, बहुत फ्लेवरफुल है। ओ भाई दिन बन गया यार, कितना लजीज है यार, कितना मिठास है इसके अंदर यार, बड़ा मजा आया खाने का। तो दोस्तों भाई ये था जी कश्मीरी प्याज मटन करी भाई कुकर वाली, आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई आपको कैसा लगा, कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।